हाय फ्रेंड्स, आज हम झालमुड़ी की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। झालमुड़ी बनाने के लिए सबसे पहले तो हम मिक्सचर लिए हैं। बॉयल आलू के छोटे छोटे टुकड़े में हम कट कर लिए हैं और हम प्याज एक लिए हैं, काट लिए हैं। हरी मिर्च आपके पास अगर धनिया है तो धनिया डाल दीजिए, खीरा है तो खीरा डाल दीजिए, टमाटर, उससे हमारी झालमुड़ी बहुत टेस्टी बनती है। मेरे पास नहीं था इसलिए हम नहीं लिए। अब मुड़ी लिए हैं, मुड़ी में हम मिक्सचर डाल दिए हैं। अब इसमें हम सारे सामान एक एक करके डाल देते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले इस पे तो आलू डाल दे रहे हैं, आलू के बाद हम हरी मिर्च डाल दिए हैं। अब इसमें हम देख सकते हैं दोस्तों, इसमें हम प्याज डाले हैं। अब सारी चीज़ डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें हम सरसों का ऑयल भी डालेंगे, इससे झालमुड़ी की टेस्ट है जो बहुत अच्छी आती है। एक चम्मच हम बड़ी चम्मच से सरसों का ऑयल डाले हैं। एक बार इस तरह झालमुड़ी बनाएं, बहुत टेस्टी बनती है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, देखिए ये काला नमक है। अब सारी चीज़ डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से स्पून से इसको मिक्स कर ले रहे हैं। अब इसमें देखिए थोड़ा सा हम पचरंगा अचार जो बोलता है वो अचार डाल दिए। अब इसको हम मिक्स करके आपको दिखाते हैं। इस तरह कर दीजिए चारों तरफ, मतलब मसाले में मुड़ी में मिक्स हो जाएंगे तो आपकी झालमुड़ी बहुत टेस्टी बनती है। घर में आप एक बार इस तरह ज़रूर झालमुड़ी बनाएं। अगर आपके पास फूले हुए चने तो उसको उबाल करके इसमें डाल दीजिए, उससे और टेस्टी झालमुड़ी बनती है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हमारी वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देख सकते हैं दोस्तों, हमारी झालमुड़ी बनके रेडी हो चुकी है। अब हम आपको झालमुड़ी दिखाते हैं खाकर कि किस तरह बनी है। अब देख सकते हैं दोस्तों, हम झालमुड़ी एक बर्तन पे निकाल ले रहे हैं। उसके बाद हम आपको दिखाने वाले हैं खाकर कि हमारी झालमुड़ी किस टाइप की है, मतलब कैसी बनी है। अब इस झालमुड़ी देखिए टेस्ट करने जा रहे हैं। अब मेरे भैया है जो, वो टेस्ट करके बताएंगे झालमुड़ी हम कैसे बनाएं, क्योंकि मेरे हाथ के झालमुड़ी इसको खाना बहुत पसंद है। इसके रिएक्शन देख करके आप समझ सकते हैं कि कितनी टेस्टी झालमुड़ी बनी है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए।